वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम दर्शन की शाखाओं के विषय में चर्चा करेंगे। दर्शन की प्रमुखता तीन शाखाएं हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सायोलॉजी। मेटाफिजिक्स की पांच उपशाखाएं हैं, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोजेनी, ऑन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी और थियोलॉजी, जबकि एक्सायोलॉजी की दो प्रमुख उपशाखाएं हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। आइए विस्तार पूर्वक इन तीनों शाखाओं के विषय में चर्चा करें। मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा शब्द का अर्थ है बियॉन्ड, अर्थात उस पार, और फिजिक्स शब्द का अर्थ है नेचर यानी प्रकृति। तो जो कुछ हमें इस प्रकृति के उस पार दिखता है, इस प्रकृति के बाहर दिखता है, यानी जो ब्रह्मांड है, उसका अध्ययन मेटाफिजिक्स शाखा के भीतर किया जाता है। मेटाफिजिक्स की पांच उपशाखाएं हैं, जिसमें से पहली है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉस्मोस और लोगोस। कॉस्मोस शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड और लोगोस शब्द का अर्थ है अध्ययन। जहां कहीं भी आप लोगोस शब्द को देखें तो लोगो शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, वो है अध्ययन। अतः यह मेटाफिजिक्स की वह उपशाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड की प्रकृति और उसकी संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं। समय और कालों में किस प्रकार से ब्रह्मांड का विकास हुआ, यह अध्ययन भी कॉस्मोलॉजी के अंदर किया जाता है। दूसरी जो उपशाखा है वो कॉस्मोजेनी अर्थात कॉस्मोगोनी, दोनों शब्द इसके लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें भी दो यूनानी शब्द हैं, कॉस्मोस और जेनेसिस। कॉस्मोस शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड, जबकि जेनेसिस शब्द का अर्थ उत्पत्ति है। कॉस्मोजेनी मेटाफिजिक्स की वो उपशाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन करते हैं। तीसरी जो उपशाखा है वो ऑन्टोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, ऑन्टो और लोगोस। ऑन्टो शब्द का अर्थ है बीइंग और दैट विच इज, यानी जिसका अस्तित्व है, और लोगोस शब्द का अर्थ अध्ययन है। इस उपशाखा के भीतर हम ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी वस्तु के अस्तित्व का अध्ययन करते हैं और उनके गुण धर्म के अनुसार हम उनको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यह भी इसी शाखा के भीतर किया जाता है। अगली उपशाखा टेलियोलॉजी है। टेलियोलॉजी दो यूनानी मूल शब्दों से मिलकर बना है, टेलोस तथा लोगोस। टेलोस शब्द का अर्थ अंत या उद्देश्य है, जबकि लोगोस शब्द का अर्थ अध्ययन है। इस उपशाखा के भीतर हम इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी वस्तु या प्राणी के उद्देश्य का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जिराफ की गर्दनें क्यों लंबी होती, अगर हम इस उद्देश्य का अध्ययन करें तो इससे संबंधित बहुत सारी परिकल्पनाएं उद्देश्य के रूप में हमारे सामने में आते हैं। और उद्देश्य यह हो सकता है कि जमीन पर जो घास है या जो खाने वाली चीजें हैं उसके लिए प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो, इसलिए जिराफ ने समय और कालों में अपनी गर्दन को लंबी कर जो ऊंचाई पर उगने वाले पौधे हैं, पेड़ और पत्तियां हैं, उनको खाना शुरू किया, जिस वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ऐसे ही तमाम उद्देश्यों का अध्ययन टेलियोलॉजी के भीतर किया जाता है। मेटाफिजिक्स की अंतिम उपशाखा थियोलॉजी है। थियोलॉजी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, थियोस तथा लोगोस। यूनानी में थियोस का अर्थ है ईश्वर यानी परमात्मा, और लोगोस शब्द का अर्थ है अध्ययन। थियोलॉजी मेटाफिजिक्स की वह उपशाखा है जिसमें हम ईश्वर और ईश्वर से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, उसकी सच्चाई क्या है, क्या कहीं स्वर्ग है या कहीं नरक है, क्या मनुष्य के भीतर आत्मा होती है, मरने के पश्चात क्या होता है, यह सभी कुछ अध्ययन थियोलॉजी के भीतर किया जाता है। दर्शन की दूसरी शाखा एपिस्टेमोलॉजी है। एपिस्टेमोलॉजी दो यूनानी मूल शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेमे और लोगोस। एपिस्टेमे शब्द का अर्थ ज्ञान है तथा लोगो शब्द का अर्थ अध्ययन है। अतः एपिस्टेमोलॉजी दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं।
ज्ञान यानी हम कुछ चीजों को जानते हैं। हम क्या जानते हैं, जो लोग जानते हैं वो क्या जानते हैं, क्या वो जो जानते हैं वो प्रामाणिक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, क्या उसको सही ठहराया जा सकता है, क्या उसकी कोई प्रामाणिकता है। इन सारे प्रश्नों का अध्ययन दर्शन की शाखा एपिस्टेमोलॉजी में किया जाता है। तीसरी शाखा एक्साइओलॉजी है। एक्साइओलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्साया तथा लोगोस। एक्साया शब्द का अर्थ वैल्यू वर्ड यानी मूल्य है, जबकि लोगो शब्द का अर्थ अध्ययन है। एक्साइओलॉजी वो शाखा है जिसमें हम मूल्यों की चर्चा करते हैं, मूल्यों का अध्ययन करते हैं। और एक्साइओलॉजी की दो उपशाखाएं हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। हमारे मन में कई बार प्रश्न आते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो उचित है या अनुचित है। एथिक्स वह उपशाखा है जिसमें हम नैतिक दर्शन की बात करते हैं, क्या सही और क्या गलत व्यवहार है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या न्याय है और क्या धर्म है। इस प्रकार के मूल्यों की चर्चा एथिक्स के भीतर की जाती है। एस्थेटिक्स यूनानी मूल के एस्थेटिकोस शब्द से निकलकर बना है, जिसका अर्थ दृष्टिकोण है। प्रकृति में बहुत सारी चीजें सुंदर हैं। जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं, और ऐसे शब्दों का जैसे बहुत सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। हमारा दृष्टिकोण वस्तुओं के लिए किस प्रकार का है, यह अध्ययन एस्थेटिक्स के भीतर किया जाता है। जब भी हम किसी कलाकृति को देखते हैं तो उसको देखने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं और हम कहते हैं कि यह कलाकृति बहुत सुंदर है, अच्छी है, घर में लगाने योग्य है। जब हम किसी कविता का पाठ करते हैं तो कविता का पाठ करने के बाद में भी हमारे मनो में भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके आधार पर हम उस कविता को बहुत अच्छा या खराब या सामान्य कहते हैं। जब हम किसी गीत संगीत को सुनते हैं उसका भी मूल्यांकन हम अपने कानों के द्वारा करते हैं, और संगीत को सुनने के पश्चात हम उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जब हम किसी खेल को देखते हैं या किसी फैशन या शो या मूवी को या किसी भी प्रकार की प्रकृति में मौजूद सौंदर्य को देखते हैं तो हमारे मन में भाव और विचार आते हैं, जिनके आधार पर हम उसको सुंदर या खराब कहते हैं। और इन सब बातों का अध्ययन एक्साइओलॉजी की उपशाखा एस्थेटिक्स में किया जाता है। दर्शन की यही तीन प्रमुख उपशाखाएं हैं जिनका अध्ययन हमने इस वीडियो के भीतर किया। थैंक यू।